से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। इति क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया कैथोलिक कलीसिया में 73 किताबों का बाइबल कैसे हैं। हम लोगों ने ये देखा किस प्रकार बाइबल की रचना हुई और जो पुराना विधान का 46 किताबें जो आदिम कलीसिया ईसा मसीह और आदिम कलीसिया शिष्य लोगों ने इस्तेमाल किया सप्तजिंद बाइबल, ये कैथोलिक कलीसिया ने स्वीकार किया और नया विधान का 27 किताबों को कैथोलिक कलीसिया ने ये बाइबल के रूप में हमें दिया और 16वीं सदी तक सब लोग यही 73 किताबों का बाइबल को ही इस्तेमाल करते आए हैं। कैथोलिक कलीसिया पुराने विधान के अंदर कोई किताब ना जोड़ा ना घटाया, बल्कि जो ईसा मसीह और शिष्य लोग आदिम कलीसिया जिस बाइबल को जो पुराना विधान को इस्तेमाल करते आया 382 में जो रोम का महासभा हुआ वहां पर उन्होंने निर्णय लिया बाइबल का एक कैनन बनाने का। संत अथनासियुस ने उस समय पर जो अलेक्जेंड्रिया का पात्रियकिस था उन्होंने नया विधान अनेकों किताबें था अनेकों सुसमाचार पत्र ये सब थे उनमें से 27 किताबों का एक सूची भी वहां पर दिया। हम लोगों ने इस पर मनन चिंतन किया पिछले क्लास के अंदर 393 का हिप्पो में उसकी स्टडी करने के बाद महासभा हुआ वहां पर इन 73 किताबों का जो बाइबल को जो मापदंड के रूप में कैनन के रूप में स्वीकार किया। केवल इतना ही नहीं, इसके बाद 397 में कार्थेज में हुआ तीसरी महासभा में और 419 में कार्थेज में जो चौथी महासभा हुआ उसमें 1442 में फ्लोरेंस महासभा में इस किताब का 73 किताबों का बाइबल को पारित किया। उन्होंने हर पत्र या किताब ग्रंथ में पढ़ाई कर करके ये 73 किताबें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है ये मानते हुए इसको स्वीकृति दिया। तो कैथोलिक कलीसिया महासभा में इसको पारित कर इसका कैनन बनाया 73 किताबों का। कब से मैं बोलूंगा, रोम के जो महासभा 382 में हुआ था वहां पर इसका सूची दिया, तब से केवल सूची दिया था पारित नहीं हुआ था, लेकिन तब से ये 73 को मानना शुरू किया था क्योंकि उसमें फाइनलाइज सूची दिया हुआ था नए विधान का 27 और पुराना जो सप्तजिंद बाइबल जो 46 किताबों का जो बाइबल ग्रीक भाषा में बन चुका था उसको जो ईसा मसीह और शिष्य लोग आदिम कलीसिया से जो उपयोग करते आया उसको आगे बढ़ाया। इसके पीछे जो झूठी शिक्षाएं जो पिंतेकोस्तल कलीसियाएं दे रहे हैं लोग दे रहा है वे शैतान का कार्य कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने मनन चिंतन किया। कई लोगों को किसी किसी चीज में नाराजगी है कलीसिया से, कलीसिया में रह करके जो उनकी इच्छा के अनुसार शायद नहीं मिला होगा स्थान मान सम्मान धन
कई लोग इसलिए कलीसिया का विरोध करते हैं। अरे पहले तो धन मिलता था, पहले तो ये मिलता था, जमीन मिलता था, मकान बनाता था, पढ़ाई होता था, आजकल सबके लिए पैसा देना पड़ता है। कई लोगों का इस प्रकार का कंप्लेंट है, जो कलीसिया से मिल रहा था आज नहीं मिल रहा हो, या अपने मनमर्जी से चलना उसमें थोड़ा बाधा है। जैसे मैं जो शिक्षा दे रहा हूं वो कलीसिया से जुड़कर रखे, कलीसिया के अधीन रहकर, अर्थात जो कलीसिया सिखाते हैं उसके अनुसार मुझे सिखाना पड़ता है। मैं अपने बुद्धि पर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं सिखा सकता। ईमानदार सिपाही के समान जो अधिकारी के आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति हूं मैं। इस प्रकार कलीसिया से जुड़े रहने में थोड़ा सा नष्ट कष्ट उठाना पड़ता है। जो लोग अपने आर्थिक जरूरतों को लक्ष्य रखा है उन्हें कैथोलिक कलीसिया में थोड़ा समस्या है। वे लोग कलीसिया से हट करके अया ठीक नहीं है, वो नहीं है बोल करके अपना अपना कलीसिया बनाता है, अपने अपने गुट बना करके लोगों को उसकी ओर आकर्षित करवाता है। कई लोगों को यहां से छोड़ने का कारण है सही जो आदर सम्मान नहीं मिला हो या चोट मिला हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम बताते हुए कोई निकलते हैं। इसके बाद वह कहां जाते हैं? अपने घर में यदि कोई लड़ाई झगड़ा है, हम लोग सुनने में आता है सास बहू के जो लड़ाई के विषय में, अगर सास बहू के बीच में लड़ाई हुआ, बहू घर निकल करके गया या पड़ोस में जाकर के सास के विषय में बताते हैं, हाँ वो भी थोड़ा सपोर्ट करते रहेगा, क्या वो प्रॉब्लम वहां मिट जाएगा? आप जहां जा रहा है, जिस कलीसिया 2000 साल के जो परंपरा से चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी मसीह से सुनी हुई बातों को रचना कर हमें बाइबल के रूप में दिया, उस कलीसिया के विरुद्ध बोलते हैं कैथोलिक कलीसिया बाइबल के अनुसार नहीं जीते हैं, कितना मूर्खता का बात है। कैथोलिक कलीसिया 100% बाइबल के अनुसार चलने वाला और शिक्षा देने वाला कलीसिया है। यदि संसार में ऐसा कोई कलीसिया है जो बाइबल के अनुसार शिक्षा दे रहा है, वह मात्र कैथोलिक कलीसिया है। आप अन्य घरों में जाकर के वहां कुछ मिल गया ये बोल करके इस कलीसिया को छोड़ना, ये बेवकूफी है। यदि आपको यहां पर कुछ कमी नजर आ रहा है, कलीसिया में कोई कमी नहीं, क्योंकि कलीसिया मसीह का शरीर है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया में कभी कोई कमी नहीं हो सकता। हाँ कमी हो सकता है, मुझ में कमी हो सकता है, सिखाने वालों में हो सकता है कमी हो सकता है। कई बार मैं मेरे ही YouTube देखता हूं, कई बातें जो बोलते बोलते, एक तो ग्रामर वगैरह मुझे नहीं मालूम सही है गलत है, क्योंकि मैं हिंदी कभी सीखा नहीं। प्रभु ने जो कृपा दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, उसके अनुसार मेहनत करता हूं, सीखता हूं, कलीसिया से सीख रहा हूं, उसको मैं सुना रहा हूं, इसलिए हिंदी तो बिल्कुल ही ठीक नहीं। और कई चीज़ें मैंने ये भी देखा, कई चीज़ें सीखने के बाद भी जो बोलते वक्त गलत बोला है, मेरे से गलतियां हो सकता है। हाँ इसके आगे जब करेक्ट हुआ इसको फिर मैंने बाद में उसको ये नहीं किया है, कट नहीं किया है। और ये मुश्किल भी है, दिन भर इसका पढ़ाई करना, इसके बाद क्लास लेते हैं, और इतना समय एडिटिंग में देने के लिए मेरे पास होता ही नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी कुछ एडिटिंग कर करके ये विश्वास में हाँ सही हुआ है अपलोड कर देता हूँ। तो कई बार मुझे स्वयं कई गलतियाँ बोलता हुआ, अभी हाल ही में हम लोग प्रकाशना ग्रंथ को सीख रहा है, 1,44,000 की जो संख्या जिनके माथे पर पिता का पुत्र का
जो मोहर लगा, नाम लिखा, अंकित है, ये सब जो सिखाया, बार बार एक दो बार मैंने कहा 1,24,000 ऐसा कुछ। जब मैं सुन रहा था तब मुझे, अरे मैंने 24,000 कैसे बोला, हम सब हमेशा जानने वाला है 1,44,000 बोल करके, लेकिन मुंह से उस समय पर एक दो बार 24,000 निकला है। गलतियां इस प्रकार हो सकती है, हाँ इसके आगे 44,000 बोल दिया मैंने, कई गलतियां हमसे होगा, इसका मतलब ये नहीं है मैंने जो बोला उसके अंदर कुछ गलती आ गया, ये कैथोलिक कलीसिया सही नहीं है, ये बोलना गलत है। कैथोलिक कलीसिया मसीह का शरीर है, उसमें मसीह पवित्र है, मसीह संपूर्ण है, उसमें कोई गलती नहीं। हाँ हमारे जैसे लोग पाप में गिर सकता है, कमियां जरूर होगा, लेकिन वो कलीसिया की कमी नहीं। इसलिए क्या करना है, इस कलीसिया में रह करके मेरे जैसे लोगों का जो गलतियां हैं हमें सुधारना है, वहां जाकर के नहीं, यहां रह करके। मेरा एक घटना याद आ रहा है, वो राजाओं का दूसरा ग्रंथ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर, 2 Kings chapter 6 के अंदर, वहां पर हमें मिलेगा नबी एलीशा। एलीशा के कुछ जो सेवक लोग, शिष्य लोग, एलीशा से कहा हम लोगों को रहने के लिए अभी ये जो झोपड़ी है पर्याप्त नहीं है, इसीलिए थोड़ा मकान को थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा बनाना है। शायद एलीशा के शिष्य लोगों का संख्या बढ़ते गया तो उनको रहने के लिए उचित जगह नहीं था, तो उनसे कहा, तो एलीशा ने हाँ किया, तो लकड़ी काटने के लिए वह यर्दन नदी के तट पर जा रहे हैं, नबी एलीशा को भी साथ में लेकर के। ये काटते काटते, बल्ली काटते काटते, एक व्यक्ति का जो कुलाड़ी है उसका जो फाल है वो यर्दन नदी में गिरते हैं, और वो फाल कहीं से उधार लेकर के आया था, उनके पास कुलाड़ी इतना नहीं था इसलिए कहीं से उधार लेकर के आया, उनका फाल जो उधार लेकर के आया वो पानी के गहरा पानी में चला गया। तब वो चिल्ला करके नबी के पास दौड़ करके जाते हैं, कुलाड़ी का फॉल पानी में गिर गई, उधार लिया था, हम कैसे लौटाएंगे, ऐसे ऐसे बोल करके। तब नबी एलीशा ने उससे पूछा कहां पर ये गिरा है, उस सेवक ने, उस शिष्य ने नबी एलीशा को वहां लेकर के गया जहां पर वो गिरा है। इसके बाद नबी एलीशा ने एक लकड़ी लिया, उस जगह पर वो लकड़ी को फेंका, उसके साथ साथ जमीन पर पड़ा हुआ, पानी के नीचे पड़ा हुआ वो फॉल पानी के ऊपर आ गया, और उन्होंने हाथ बढ़ा करके उस कुलाड़ी को ले लेते हैं, फॉल को ले लेते हैं, लोहे का फॉल है वो पानी के नीचे से ऊपर आ गया। कब, जहां गिरा वहां लौट करके गया वहां ढूंढने में। मुझे एक घटना और याद आ रहा है मेरे जीवन का, मैं जब फौज में सर्विस कर रहा था, एक्सैक्ट बोलता हूं 84 की बात है, 84 की बात है, उस समय पर मैं कमांडो था, कमांडो में सर्विस करते वक्त हम लोगों को रात्रि में कुछ काम था, आर्मी का बातें हैं इसलिए पूरा नहीं बोलूंगा, रात्रि के समय पर हमें कुछ काम था। उस समय पर मेरे पास एक 4-inch घड़ी था मेरे हाथ में, कुछ काम करते करते कुछ समय के बाद हम लोगों को कहीं चल करके जाना था, कुछ समय के बाद पता चला मेरे हाथ में वो घड़ी नहीं, तो कहां गिर गया। तो हमारे 7 ग्रुप में जो लोग थे वे सब मिल करके जहां जहां जो स्ट्रीट लाइटें हैं वहां लाइट को उधर आकर के पूरा ढूंढने लगे कहां तक था। हमें करीब 1/2 किलोमीटर के अंदर, उससे पहले मैंने टाइम देखा मुझे याद है, इसके बाद गिरा है इतना मालूम है। तो ढूंढने लगे जहां जहां स्ट्रीट लाइटें हैं वहां ग्रुप ग्रुप जा करके ढूंढ रहा है। तो हमारा अधिकारी ने को पता चला ये क्या क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है, तो बोला ऐसे ऐसे एक घड़ी था
बहुत महंगी घड़ी है, उसको ढूंढ रहा है। तो उन्होंने कहा यदि घड़ी गया है इतना आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर के अंदर गिरा है, आप लोग जहां स्ट्रीट लाइट है वहां जाकर के ढूंढने से क्या मिलेगा? जहां गिरा है वहां अंधेरा होगा, उस अंधेरे में भी आपको ढूंढना है। जहां गिरा है वहां जाकर के ढूंढना है, ना कि जहां प्रकाश दिख रहा है वहां जाकर के ढूंढे। जहां अंधेरा है वहां हो सकता है गिरा होगा, आप उस अंधेरे के इलाका छोड़ करके जहां जहां आपको 50 मीटर में जो स्ट्रीट लाइट मिल रहा है केवल वहां वहां आप ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं मिल पा रहा है। रात्रि में ढूंढते गए नहीं मिल पाया। तो उन्होंने हम लोगों को एक गाड़ी दिया, उस गाड़ी के रोशनी में ढूंढने के लिए कहा पूरी जगह पर, ताकि जहां गिरा है वहां ढूंढना जरूरी है। अन्यथा लाइट देकर के रोशनी देकर के उस जगह पर रोशनी उस जगह पर चंगा यहां ये चमत्कार है ये बोल करके जाना, ये गलत तरीका है। जैसे मैंने कहा 2000 साल से जो परंपरा, जो सिख, जो ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया से आपको फल नहीं मिल रहा है, कल के बारिश में खिलकर के आने वाले इन जंगली पौधों से आप फल ढूंढ रहे हो। फिर से मैं बोलूंगा, 2000 साल से फल देने वाला इस महावृक्ष को छोड़कर कल के बारिश में खिले आने वाले इस जंगली पौधों में आप फल ढूंढ रहे हो। इस प्रकार आज लोग नष्ट हो रहा है। कितनी कितनी झूठी बातें, शिक्षाएं वहां हो रहा है, उसमें अनेकों लोग आनंदित हो रहा है। हमारे YouTube चैनल में कमेंट्स को थोड़ा पढ़ लीजिए, कितने कितने ऐसे ऐसे लोग हैं जो अन्य लोगों को भटका रहा है। कैथोलिक कलीसिया पूर्ण रूप से बाइबल के अनुसार जीने वाला है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया कभी भी ये नहीं सिखाते हैं 16 स्क्रिप्चुरा का मतलब है केवल बाइबल, स्क्रिप्चर, ओनली स्क्रिप्चर। ये कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा नहीं, बल्कि कैथोलिक कलीसिया क्या सिखाते हैं, 16 स्क्रिप्चुरा, ये जो पकड़ करके रखने वाला एक सत्य को नहीं जान रहा है, इसीलिए कहते हैं ये बाइबल में दिखाओ, वो बाइबल में दिखाओ, रोसरी बाइबल में दिखाओ, रोसरी शब्द एक बार दिखा दो तब मैं रोसरी करूंगा, ऐसे ऐसे ओनली बाइबल 16 स्क्रिप्चुरा, ये शैतान का शब्द है। और कैथोलिक कलीसिया किस प्रकार बाइबल को दिया है इसको सबसे पहले समझना है। तो कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा देने का तीन चीजें क्या क्या है? सबसे पहले एक पवित्र परंपरा है, होली ट्रेडिशन कहते हैं उसको। क्यों होली ट्रेडिशन? हमें मालूम है बाइबल लिखना एडी 50-55 के बाद, ये जो संत पौलुस ने तसलुनियों को पत्र लिखकर के लिखा, इसके बाद जाकर के 60-65 एमरेल में 70 के करीब में सुसमाचार लिखना शुरू किया मार्कुस ने, सबसे पहले जो सुसमाचार बनाया मार्कुस ने। तो एडी 100-110 तक ये बाइबल का इन प्रकाशना ग्रंथ ये सब लिखकर के बाइबल के रूप में हमारे सामने आ रहा है। बाइबल के रूप में नहीं, ये भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि पत्र केवल पत्र के रूप में है। सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार वो अलग है, इस प्रकार का अनेकों सुसमाचार था, संत मत्ती का, मार्कुस का, लूकस का, योहन का, केवल 4 ही नहीं था, मेरे ख्याल में 15-20 सुसमाचार थे। संत थॉमस का सुसमाचार, मरियम मगदलीनी का,
कई लोगों के नाम से सुसमाचार है, पत्र है, लेख है, ये सब था। इनमें कौन सा किताब चाहिए, कौन सा किताब से पढ़ाना है, ये बात पिछले क्लास में मैंने बोला। 382 में आकर के संत अथनासियुस ने बोला, लोग अपना मर्जी मर्जी का लिख रहा है और सिखा रहा है, एक पूरा ईसा मसीह के जो सिखाया उसका भी विरुद्ध में जा रहा है, इसलिए इसका नापदंड बनाने का निर्णय किया। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में सिखाने का सबसे पहला तरीका होली ट्रेडिशन, जिसे कहते हैं पवित्र परंपरा। अभी कई लोग इस पवित्र परंपरा के खिलाफ है। अच्छा, तीनों पहले बता देता हूं। सबसे पहले पवित्र परंपरा, परंपरा से ट्रेडिशन में आदिम काल में सिखाया करता था। कहीं बाइबल नहीं, ईसा मसीह ने कोई बाइबल ला करके नहीं दिया, ईसा मसीह ने यह भी नहीं बताया, ये सिखाओ बोल करके, लेकिन मसीह ने जो कुछ शिक्षा दिया उसकी तुम जाकर के गवाही दो बोल करके प्रेरितों को, शिष्यों को भेजा। ईसा मसीह के साथ 3 वर्षों तक रह करके उन्होंने जो कुछ सुना उन तमाम चीजों को वे लोग अन्य लोगों को सिखाना शुरू किया। एक और बाइबल का वचन मेरे मन में आ रहा है, योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 20 को, योहन का सुसमाचार जॉन चैप्टर 20, वहां पर योहन लिखते हैं, संत योहन लिखते हैं जॉन चैप्टर 20 वर्स 30 और 31 में सीधा जाते हैं। इनका ही विवरण इस बाइबल के अंदर, इसके अंदर दिया है, जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र है, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करे। केवल उतना ही बात, ईसा मसीह ने 3 वर्षों तक जो कुछ सिखाया या जो कुछ घटनाएं हुआ वो सब के सब बाइबल में नहीं लिखा, केवल इतनी बातों को लिखा ईसा मसीह मुक्ति दादा है, ये लोग विश्वास करें और ईसा मसीह में विश्वास करने से आपको मुक्ति मिलेगा, ये विश्वास करने के, ये सिखाने के लिए जितना चाहिए केवल उतना लिखा है। इसका ये मतलब नहीं है ईसा मसीह ने जो अन्य चीजें सिखाया या अन्य घटनाएं हुआ उसको नहीं सिखाना। एक और अध्याय 21 में भी लिखा हुआ है, अध्याय 21 वाक्य 24 एवं 25, यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्षी देता है और जिसने ये लिखा है। संत योहन स्वयं बताता है, मैंने जो कुछ देखा सुना, जिसे मैंने स्पर्श किया, अनुभव किया, उसके वर्णन मैं कर रहा हूं करके, योहन का पहला पत्र दिया 1 के अंदर भी यहां पर बताते हैं। वाक्य 25, ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए, यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि ये पुस्तकें लिखी जाती, मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। इतना अधिक बातें ईसा मसीह ने बताया, शिक्षा दिया और घटनाएं हुए, चमत्कार हुए हैं, यदि वो सबके सब लिखेगा तो किताबों से पूरा संसार भर जाएगा। तो इतना छोटा सा एक किताब लिखकर के हम लोगों को अगर एक सुसमाचार के रूप में दिया, इतने में केवल ईसा मसीह मुक्तिदाता है ये समझाना चाहते थे। यहां पर भी यही संत योहन लिखकर के बताते हैं, केवल इतना नहीं और भी बातें सिखा चुका है। तो ट्रेडिशन में जो शिष्य लोग मौखिक रूप से जो लोगों को सिखाया उसको ट्रेडिशन कहते हैं, और उसको अन्य लोगों में भी बांटना शुरू किया। यदि हम लोग तिमत्ती का पत्र पढ़ेंगे, तिमत्ती का 2 अध्याय 2, तिमत्ती 2 चैप्टर 2 वर्स 2 24 से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा हुआ है,
प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए, वह शिक्षा देने के लिए तैयार रहे। इसके बाद लिखा है, और इस आशा से विरोधियों को नम्रता से समझाएं कि वे ईश्वर की दया से पश्चाताप करें, सच्चाई को पहचाने और इस प्रकार होश में आकर शैतान के फंदे से निकल जाए जिसमें फंसकर वे उसके दास बन गए हैं। गलत शिक्षाओं में, भ्रांत धारणाओं में जाकर कई लोग कलीसिया से कटकर शैतान का फंदे में पड़ा है, अपने को फंसा कर रखा है, उसे उन्हें पश्चाताप कर करके वापस करना, ये शिक्षा ये देना है, ये बोल रहा है। इसी कारण मैं इस क्लास ले रहा हूं। और तीतुस का पत्र अध्याय 1:9 के अंदर लिखा है, वह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। एक बार और पढ़ता हूं, हमें परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांतों को दृढ़ बने रहना है, उस पर जो परंपरागत रीति से जो मिला है 2000 साल से जो कलीसिया सिखाते हुए आ रहे, कई चीजें बाइबल में नहीं लिखा हुआ है लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। कलीसिया में इस प्रकार परंपरागत कई चीजें हैं और बाइबल में संत पौलुस तीतुस को कहते हैं, जो अधिकारी जिनको नियुक्त कर रहा है वे ऐसे लोग होना चाहिए, अधिकारी जो परंपरागत रीति से जो मिल रहा है उस पर दृढ़ रहने वाला और जो प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए ताकि वो सही शिक्षा दे सके। कल अपने बुद्धि में कुछ आया उसके अनुसार ये है अर्थ, ये बोल करके अपना मनमर्जी का मतलब निकाल करके सिखाने वाले लोग शैतान के चेले लोग हैं। क्योंकि जिस कलीसिया ने ये बाइबल हमें दिया, मान लो नए विधान का 27 किताबें 382 के रोम महासभा में इसका पुटअप किया गया था, इसके बाद उसके ऊपर पढ़ाई किया और संत जेरोम को नियुक्त भी किया था, उन ग्रीक भाषा में लिखित किताबें, ये जो लिस्ट संत अथनासियुस ने जो दिया उसके अनुसार लैटिन भाषा में उसको ट्रांसलेट कर करके पुटअप करने के लिए। इसके बाद हमें मालूम है कई 4-5 महासभाओं में इसको पुटअप किया, वहां पर बाइबल पंडित लोग, जो हमारे पूर्व पिता लोग, कलीसिया के पिता लोग बैठ करके उसके ऊपर चर्चा किया, हर शब्द जो उन विद्वान लोग हैं उन्होंने देखा ये पवित्र आत्मा से प्रेरित है, ये निर्णय करने के बाद उसको पारित किया। तो 73 किताब परंपरा से हमें मिला है, ये कैथोलिक कलीसिया का बनाया हुआ नहीं है। तो परंपरा का पीछा करना गलती नहीं है बल्कि परंपरा पर चलने के लिए बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा। मैं कुछ बाइबल का कोटेशन बोलता हूं, समय कमी है, फिर भी फिलिपियों का पत्र दिया है 3:17, फिलिपियंस चैप्टर 3:17, चैप्टर 4:9, फर्स्ट कुरिंदियंस चैप्टर 11:1-2, गलातियंस चैप्टर 4:12, कुरिंदियों का पहला पत्र अध्याय 11:1-2,
और गलातियों का पत्र अध्याय 4:12, पहला तसलोनी चैप्टर 4:1-2 और वाक्य 7, फर्स्ट तसलोनियंस चैप्टर 4:1-7, सेकंड तसलोनियंस चैप्टर 2:15, सेकंड तिमोथी चैप्टर 1:13-14, दूसरा तसलोनी अध्याय 2:15, दूसरा तिमोथी अध्याय 1:13-14, दूसरा तिमोथी चैप्टर 2:2, तीतुस अभी हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 1:9, आदि आदि में यही हमें बता करके दिया है कि हमें परंपरागत रीति से जो मिला है उस पर चलना है, कलीसिया के परंपरा के अनुसार चलना है। ये नहीं लिखा बाइबल के अंदर, कहीं भी नहीं लिखा 16 स्क्रिप्चुरा, केवल बाइबल ही है सब कुछ, नहीं लिखा। लेकिन बाइबल के अंदर यह लिखा है कलीसिया का जो परंपरा आपको मिला है वो पवित्र परंपरा है, अमूल्य निधि है, इस निधि को हमें सुरक्षित रखना है, कायम रखना है, बहुत कुछ इस प्रकार लिखा है। तो कलीसिया ने तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3:14-17 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस तिमोथी को यही कहते हैं, तुम्हें जो कृपा निधि जो मिला है उसको तुम्हें सुरक्षित रखना, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ जो लिखा हुआ है, जो आपको मिला हुआ है, वो पवित्र आत्मा से है। तो ट्रेडिशन को हमें पकड़ना है। किस प्रकार का? दो प्रकार का ट्रेडिशन है, एक लिखित ट्रेडिशन जो बाइबल के रूप में हमें मिला है, और साथ ही साथ जो हमारे चर्च फादर्स का जो लिखित है। बहुत कीमती ऐसे ऐसे किताबें हैं, ज्ञानवर्धक बातें उनकी किताबों से मिलेगा। चर्च फादर्स जो ओल्डन डेज में ये जो बाइबल सब हमें देने वाले, उदाहरण के लिए संत पौलुस तीतुस को पत्र लिखा, क्या तीतुस ने कोई पत्र नहीं लिखा? संत पौलुस तिमोथी को पत्र लिखा, क्या तिमोथी कोई और पत्र नहीं लिखा? उनके शिष्य लोग भी लिखा होगा। तो इस प्रकार जिनको कलीसिया से कुछ मिला है और उन लोग दूसरों को जो शिक्षा दिया है, इस प्रकार के अनेकों पत्र है बाइबल के रहस्यों को समझने के लिए। पूर्व जो जितने भी चर्च फादर्स है बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको हमारे कलीसिया का एक खजाना मानते हैं, इसको परंपरा कहते हैं। इस प्रकार का परंपरा में जो हमें विधियां मिले हैं, रिचुअल्स मिले हैं, उसको हमें पकड़ कर रखना है। 7 संस्कारों के विरुद्ध में कई लोग बोलते हैं, उसका एक अलग क्लास ही लेना पड़ेगा बहुत समय होने के कारण। ये रिचुअल्स हो, ये जो ट्रेडिशन हो, ये सब हमें हमारे लिए एक खजाना है, उसके अनुसार हमें चलना है। ये सब के सब बाइबल के अनुसार है, जिसने बाइबल दिया उसी के लिखा हुआ, उसी के बताया हुआ। और हम लोगों ने जो संत पापा का जो अधिकार के विषय में एक क्लास ले चुका है, उसके अंदर भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ये अधिकार ईसा मसीह ने दिया, शिक्षा देने का अधिकार कलीसिया को प्राप्त है। हर एक व्यक्ति अपने मर्जी से बाइबल का अर्थ नहीं ढूंढना है, हमें सबसे पहले उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, कलीसिया इसके विषय में क्या सिखाते हैं। मैं मेरे इस YouTube चैनल में जो कुछ शिक्षा दे रहा हूं वो कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा के अनुसार है। यदि मैं कुछ भी गलत बोलता हूं, मुझे सुधारने के लिए मेरे अधिकारी लोग हैं, मैं गलत तो बोल नहीं सकता। सबसे पहले इसलिए बहुत पढ़ाई करता हूं इस विषय में, कैथोलिक कलीसिया ने क्या सिखाया उसके अनुसार मुझे सिखाना पड़ता है। ये कलीसिया का एक अधिकार, उससे जुड़ना, ये अर्थ समझाने का अधिकार केवल कलीसिया को है, हर व्यक्ति को नहीं है। अगर भारत देश ने अपना एक नियमावली बनाया है,
उसका अर्थ समझाने का अधिकार उसके अधिकारी लोगों को है। मैं उन नियमों का परिभाषा नहीं कर सकता, उसका मतलब नहीं समझा सकता। वो लिखने वाला और जिनको हैंडओवर करके रखा है उसका देखभाल करने के लिए, वे उसके अनुसार नियम कानून चला करके देश को चल जाएगा। उसी प्रकार ये बाइबल, ये वचन, ये भेजने वाला कलीसिया को जो अधिकार दे करके, कलीसिया माने कलीसिया का अधिकारी लोग, बिशप लोग, चंद पापा, ये जो सिनड महाअधिवेशन में, महासभाओं में जो बिशप लोग बैठ करके जो नियम बनाता है उसको पालन करना हर एक क्रिश्चिय का कर्तव्य है। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले ट्रेडिशन, पवित्र ट्रेडिशन कहते हैं। इसके बाद उस ट्रेडिशन में बिशप लोगों का अधिकार, सिनड का अधिकार, उसको भी एक उदाहरण हम लोग यदि प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 15 में देखेंगे, प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 15 के अंदर जो यरूशलेम में सबसे पहला जो सिनड चला ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, कलीसिया के अंदर वही खतना के विषय में लड़ाई शुरू हो गया। कुछ लोग बोल रहे नहीं खतना चलना है तो क्योंकि ईश्वर का नियम है, कुछ लोग बोल रहे नहीं अभी बपतिस्मा ही जरूरत है। तब वहां पर पहला सिनड महाअधिवेशन यरूशलेम में चला। वहां पर मैंने एक क्लास में बोल चुका है अभी पेत्रोस उठ खड़े हो गए, बताया जो भी घटना हुआ। इसके बाद यरूशलेम का बिशप जो याकूब है वो खड़े होकर के भाषण दे रहा है। इसके बाद उन्होंने पौलुस तथा बर्नबास को एक पत्र देकर के नियुक्ति किया, जाकर के उसको सुनाओ, और साथ ही साथ उन्होंने यूदस को और बर्नबास को भेजा। वाक्य 27 में जाना चाहूंगा, प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वाक्य 27, एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 27। इसलिए हम यूदस तथा सीलस को भेज रहे हैं उनके बीच में, वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। उनके पास लिखित कोई प्रमाण पत्र लेकर के नहीं, जो उन लोगों ने इस महासभा में जो सुना उसको सुनाने के लिए गया, महासभा में जो सुना हुई सुनी हुई बातें उसको सुनाने के लिए यूदस एवं सीलस जाते हैं, कोई पत्र लेकर के, कोई बाइबल लेकर के नहीं। इसके ऊपर तो हमें इसका मतलब है कलीसिया जो बता करके दे रहा है आज बहुत सिस्टमैटिकली होता है। कलीसिया का जो भी शिक्षाएं हैं सिनड चलता है, बिशपों का बाइबल पंडित लोग हर शब्द का हर तरीके से उसके ऊपर चर्चा करता है। इसके बाद कुछ रिजल्ट चर्च घोषित करता है, उसको सब लोग उसको स्वीकार करना जरूरी है। इसको हम लोग मजिस्टीरियम ऑफ कैथोलिक चर्च, एक क्लास ही मैंने उसके ऊपर ले चुका है। और तीसरा है, इसके द्वारा कलीसिया जो 73 किताबों का बाइबल हमें दिया वो बाइबल, इसको मतलब शिक्षा कैथोलिक कलीसिया में परंपरा से शुरू हुआ। इसके बाद वो अधिकार जो प्राप्त है मजिस्टीरियम, जो बिशप्स को, जो संत पापा को जो अधिकार मिला उसके द्वारा जो शिक्षाएं मिलता है, बिशप कॉन्फ्रेंस के द्वारा, सिनड के द्वारा जो शिक्षाएं मिल रहा है उसको हमें मानना है, और उसके द्वारा जो सिनडों में हमें जो 73 किताबों का बाइबल मिला है उस बाइबल हमारा आधार है सीखने का। केवल 16 स्क्रिप्चरा नहीं बल्कि ट्रेडिशन भी है, मजिस्टीरियम ऑफ कैथोलिक चर्च भी है, बाइबल भी है, और अनेकों ऐसा वचन हमें मिलेगा। इस प्रकार हमें बाइबल के अनुसार जो शिक्षा कैथोलिक कलीसिया दे रहा है, और बाइबल के अंदर दिखता नहीं है लेकिन उसके अनुसार है कई चीजें, प्रार्थनाएं सब कुछ बाइबल के अनुसार है, लेकिन कलीसिया द्वारा जो दे रहा है, उदाहरण के लिए मैंने कई बार बता दिया बपतिस्मा ही चाहिए, खतना करने की जरूरत नहीं, कलीसिया का लिया हुआ निर्णय है। और जो विश्राम दिवस है ना, पहले शनिवार के दिन होता था, नहीं आज
इतवार के दिन प्रभु का दिन के रूप में मनाने का, क्योंकि ईसा मसीह जी उड़ करके हम सबों को स्वर्ग राज्य का योग्य बनाया। प्रभु का महिमा का दिन है, उस दिन को हम आठवां दिन भी बोलते हैं या पहला दिन बोलते हैं, उसको मनाने का। ये सब कलीसिया के द्वारा दिया हुआ परंपरा के अनुसार दिया हुआ और जरूरत बाइबल के जरूरत के अनुसार दिया हुआ कुछ नियम है, उसका पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जितने भी लोग ये वचन सुने हैं उनको प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले, विश्वास करने की कृपा मिले, शैतान के फंदे से वह प्रभु के पास लौट आ सके, कलीसिया में लौट आ सके। ये सिनडल वर्ष कैथोलिक कलीसिया चाहते हैं, जितने भी लोग इस प्रकार भटक गए हैं, जो खोए हुए चीज को ढूंढने के लिए वो जो प्रकाश जहां दिख रहा है वहां जा रहा है, यहां कोई फल नहीं है, यहां कोई चमत्कार नहीं बोल करके ऐसे जगह जा रहा है। इस महान वृक्ष 2000 साल से जो फल दे रहा है, जीवन का फल दे रहा है, उसे छोड़ करके हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें वे सब के सब इस कलीसिया में लौट आए, कलीसिया से जुड़ करके यहां जो कमियां हैं हम यहां सुधारेंगे, हमारे अंदर जो गलतियां हैं हम एक दूसरे को सिखाएंगे सुधारेंगे। निर्णय कीजिए कलीसिया से जुड़ करके, तभी हम स्वर्ग जा सकता है। इस कलीसिया के बाहर कोई स्वर्ग राज्य का रास्ता नहीं है, क्योंकि यह मसीह का शरीर है, मसीह ने स्थापित कलीसिया है। इस मसीह के कलीसिया में जुड़े रहकर, उसके अधीन रहकर, उस शरीर का अंग बनकर हम स्वर्ग राज्य की यात्रा करेंगे। ये जर्नी, ये सिनडल जर्नी सबों के साथ होने के लिए प्रयत्न करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।